सबको नमस्कार। आज मैं इसी टॉपिक में बात करना चाहता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। इसी देश में हर लोग कहते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नौकरी नहीं है, लेकिन हमारा देश में, भारत देश में इतना जो पोटेंशियल है, इतना नौकरी की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसी सेक्टर के आज तक इसके एक्सप्लोर नहीं किया है। उसी टॉपिक के बारे में, उसी एरिया के बारे में, उसी सेक्टर के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं। बायो, आप लोग जानते हो जो ग्रीनरी के महत्वपूर्ण देश में बढ़ रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है और पोल्यूशन है। इसी प्रकार जो लोग प्रतिदिन लोग के ग्रीन के बारे में सोचने लग गया, आजकल तो हर लोग ग्रीनिंग के काम करने के लिए हर लोग इच्छा शक्ति भी बढ़ रही है, इच्छा भी हो रही है। हर लोग चाहते हैं गार्डन, कुछ लोग अपने अपने कर देते हैं एज ए हॉबी, कुछ लोग क्या करते हैं कर नहीं पाते हैं, बिजनेस लोग ऑफिस काम जाना है और अन्य काम पे जाना कर नहीं पाते हैं। सो इसलिए लोग चाहते हैं मेरे को अच्छा माली दीजिएगा, अच्छा माली दैट इज द गार्डनर, अच्छा माली सो कहां से मिलेगा, अच्छा माली कहां से मिलेगा, क्या लेबर चौक से मिल जाएगा एक दिन में, या माली एक दिन में बन सकता है क्या, संभव नहीं है। ये माली के काम भी एक कलाकारी के काम भी है, एक साइंस के काम भी है, अनुभव के काम भी है, ये कलाकारी के काम भी है, ये सारे इकट्ठा करके उनका दिमाग के रख काम करना पड़ता, तभी कहीं भी काम के जाते हैं उन लोगों की सेटिस्फाई कर सकते हैं। अदरवाइज लोग सेटिस्फाई नहीं होते, अगर काम अच्छा नहीं होता तो लोग कहते हैं काम हम तसली नहीं, हम हैप्पी नहीं। सो इसके वजह से हर लोग माली के काम के लिए एंगेज करते हैं, फिर हटा देते हैं, फिर मांगते हैं अरे अच्छा माली दे दो। कारण यही है, अच्छा माली करने के लिए कम से कम अगर कुछ सीखता तो 10 साल लगेगा। क्या ये संभव है 10 साल लगाकर एक माली बनकर फिर काम के नौकरी में जाना, संभव नहीं है, इतना पैशन भी नहीं है। आजकल तो इतना तेजी में दुनिया बढ़ रही है, इतना तेजी में लोग के लाइफस्टाइल बढ़ गया, सो लोग कमाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म पे, कुछ ट्रेनिंग लेकर कुछ कमाना चाहते हैं, लेकिन उसी के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है। ये टॉपिक आज में जो बात कर रहे हैं, ये टॉपिक है एक गार्डनिंग है, लैंडस्केपिंग है एंड ग्रीनिंग है, ये टॉपिक है, ये अनटैप्ड एरिया, अनएक्सप्लोर्ड एरिया देश में। आज मैं कैलकुलेशन करता हूँ टेंटेटिवली 50 लाख लोग के लिए, दैट इज 5 मिलियन लोग के लिए नौकरी है। हमारा देश में कम से कम 4000 सिटी है, उसमें छोटा भी है, मीडियम भी है, बड़ा भी है और अत्यंत बड़ा भी है, कॉर्पोरेशन कॉस्मोपॉलिटन सिटीज वगैरह। देश में 35% लोग अर्बन में रहते हैं, आउट ऑफ 135 करोड़ हमारा जो आबादी है, उसी में कम से कम 35% लोग हैं वो अर्बन में रहते हैं। अगर 35% लोग से भी अगर मैं अगर कॉर्पोरेट करते हैं, कम से कम अगर 10% फैमिली लोग है अगर गार्डनिंग करते हैं, इंटरेस्ट करते हैं, तब भी 50 लाख लोग के लिए देश में जरूरत है इसी तरह का काम करना। कहाँ कहाँ काम है इन लोग के, लैंडस्केपिंग में, हर रोडवेज में, हर देश में जो शहर में जो गार्डन है उसके चाहिए, हर शहर में जो किचन गार्डनिंग बनाते हैं, टेरेस गार्डन बनाते हैं, अपने घर के अंदर सजा देते हैं, जो इंडोर गार्डन बनाते हैं और आउटडोर गार्डन बनाते हैं उसके चाहिए, और कई अन्य इंस्टीट्यूट भी है, MNC कंपनी के इंस्टीट्यूट भी है, होटल भी है और सरकारी के इंस्टीट्यूट भी है, बहुत है। से सारे इंस्टीट्यूट के आजकल तो गार्डनर्स अच्छा स्किल्ड पर्सन चाहिए, लेकिन कितना हमारा पास है, उतना है नहीं है। इसके कारण क्या है, मैं स्टडी किया, बिकॉज ये काम करने के लिए कई लोग नहीं चाहते हैं। कारण क्या, इस सोशल स्टिग्मा, अरे माली अरे गवार गया, अनपढ़ लोग करने वाला काम,
अरे ये रोजाना फिजिकली में बारिश में और धूप में और करना पड़ता है, और कपड़ा वगैरह सो कच्चा से करना पे हमारा मजा नहीं है। इसलिए सोशल स्टिग्मा उनको लो पेड है, उसके कोई समझता नहीं है, लो ट्रीटमेंट करते हैं। इसके वजह से लोग इज्जत नहीं मिल रहा, सेल्फ एस्टीम बढ़ नहीं पा रहा और अच्छा कमाई नहीं है, इसके वजह से लोग इसी काम पे चूज नहीं करते हैं। थोड़ी सी सोच लो, उसी सोशल स्टिग्मा के लिए हमें अगर हम हटाने के लिए कोई हम मॉडल बनाए और उसके इसी सेक्टर अभी भी एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है। इतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी ये सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, एक फॉरवर्ड सेक्टर नहीं है। एक ट्रेनिंग देने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट हो या यूनिवर्सिटी हो या इसी प्रकार स्पेशली गार्डन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, इसी प्रकार हमारा देश में नहीं है। ये वगैरह कारण है, इसके वजह से लोग इसी काम पे करना नहीं चाहते, उसी काम पे आना नहीं चाह रहे। अगर ये सोच लो इसी स्टिग्मा सोशल स्टिग्मा के हटाने के लिए उनको हम स्मार्ट वे में ट्रेनिंग दें, स्मार्ट वे में काम करने के मौका दें, स्मार्ट लुकिंग से वो जो काम करने के अगर अपॉर्चुनिटी दें, स्मार्ट ट्रेनिंग दें, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बने, इसके कई इंस्टीट्यूट हम तैयारी करें और अच्छा कमाई मिलने के लिए मौका दें, एक कॉमन प्लेटफॉर्म दें, देन फिजिकल काम कम करें। फिजिकल जो पावड़ा लेके घेती लेके गुरपी लेके जो लोग काम करते हैं ना उसके हटा दें, मैक्सिमम मशीनरी में मिनिमम फिजिकल में अगर काम करने के हम सिखाते तो हमारा देश में जो नॉन मेट्रिकुलेट है, दसवीं क्लास के नीचे है या अनपढ़ है या आठवीं क्लास है या ग्रेजुएट है या हायर सेकेंडरी है, सारे लोग पढ़ने के बाद व्हाइट कलर जॉब ढूंढते हैं ना, सो उसके बदल ये काम हम सिखाते हैं, गार्डनिंग काम सिखाते हैं विद स्टाइल स्मार्ट वे वर्क लेस फिजिकल वर्क में, देन ऑब्वियसली हर लोग आएंगे, हर लोग एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के बदल वेस्ट का टाइम वेस्ट बर्बाद करने के बदल इस काम पे इंटरेस्ट दिखा सकता है, वो सकता है, संभव है। हमारे देश में देखो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यही तो ना अनपढ़ लोग इधर उधर ढूंढते रहे, उनको एक्सप्लॉइट कर देते हैं, लो सैलरी देते हैं, फिर इसलिए इसी प्रकार संभव हो रही है, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। इवन किसान देख लो, हमारा देश में किसान परिवार है, अपने बच्चा के लिए वो किसान काम करने के नहीं चाहते हैं, मेरा बेटा पढ़ो अब आगे बढ़ो सरकार नौकरी चलो यही सिखाते हैं। क्या सरकार हो सकता है इतना लोग नौकरी देने के लिए संभव है सरकार में? संभव नहीं है। सो इसलिए इसी सेक्टर एक गार्डनिंग सेक्टर अगर हम स्मार्ट वे में अगर ट्रेनिंग देने के लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ग्रीन मैनेजमेंट या कोई अथॉरिटी इसी प्रकार देश में वो फॉर्म करें, कॉन्स्टिट्यूट करें, वो मॉनिटर करें, ट्रेनिंग के मॉडल बनाएंगे, उसके बाद उसके ट्रेनिंग कहाँ कहाँ देना का, सो पैंटिया लेवल में एक अगर हम इंस्टीट्यूट नेटवर्क बना दें तो ये संभव है। वो भी कैसे? देखो मेरा अनुभव मैं कह रहा हूँ, मैं एनटीएमसी में नई दिल्ली नगर पालिका में पर नगर पालिका परिषद में मैं डायरेक्ट पद में पिछले कुछ साल से मैं करता हूँ। यहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट स्कूल ऑफ गार्डनिंग स्टार्ट किया, उसकी मुद्दा है एनटीएमसी में जो काम अच्छा कलाकारी काम हो रही है उसी में लोग बहुत अत्यंत प्रसन्न अत्यंत खुशी है, वो लोग चाहते हैं इसी प्रकार हमको हमारा गार्डन करें, इसी प्रकार हमारे इंस्टीट्यूट में करें, देखो एनटीएमसी कितना बढ़िया कर रहा। वो जो मानते हैं कि हम व्हाट एवर एनटीएमसी जो काम करें वो बेस्ट प्रैक्टिस में वो सोचते हैं, इसलिए हमारे से लोग उम्मीद बहुत बढ़ रही है, वो हमसे मांगते हैं सर बेस्ट मालिक कहाँ मिलेगा, कुछ अच्छा मालिक कहाँ मिलेगा। सो इसकी वजह से हमें स्कूल ऑफ गार्डनिंग स्टार्ट किया है 2012 से। उसके बाद हमें जो यहाँ पर दिल्ली में जो कॉर्पोरेशन है, कितना भी कॉर्पोरेशन है उसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट माली लोग के, हमें अपने माली लोग के 1500 माली लोग के लिए भी, बाकी
साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन माली लोग, ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसी प्रकार लोग जो माली लोग है सेक्शन ऑफिसर लोग के लिए भी हमें ट्रेनिंग दिया है। वो ट्रेनिंग मॉड्यूल है एक क्लासरूम एंड हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। वो हफ्ते में देखते हैं एक हफ्ते की ट्रेनिंग या पांच दिन का ट्रेनिंग या तीन दिन का ट्रेनिंग, इसी प्रकार आप करते हैं। लेकिन ये गार्डन ऑफ स्कूल ऑफ गार्डनिंग ये सिर्फ शॉर्ट टाइम ट्रेनिंग के लिए, लेटेस्ट टॉपिक के लिए ये अच्छी है, लेकिन तब तक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में लोग सीखेंगे नहीं, एक्सपोजर नहीं करें, तब तक एक माली बनना संभव नहीं। सो इसलिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माली के लिए स्कूल ऑफ गार्डनिंग ओके, लेकिन जो नया माली बनना चाहते हैं, गार्डनर्स बनना चाहते हैं, उसी से कमाई करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, ये तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उन लोग के लिए 10 साल करके सीखना संभव नहीं है। इसलिए मैं एक ऐसे एक मॉड्यूल से आ रहा हूं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। इसमें क्या करते हैं, सपोज मान लो मैं एनडीएमसी में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में, मेरे पास है पूरा 42.7 स्क्वायर किलोमीटर, 6 डिवीजन है, इसी में मैं क्या करता हूं, जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस अपने साथ काम करें, फील्ड में काम करें, फिर सीखेंगे, अगर सीखना चाहते हैं तो हम उसके लोग के लिए हम इन्वाइट करेंगे, उसी इन्वाइट करके उनको सभी डिवीजन में हम डिस्ट्रीब्यूट करें। 6 महीने के ट्रेनिंग कोर्स है, इसी में 3 महीने अपने डिवीजन में काम कर रहे हैं, सीखेंगे जो घास कटिंग कैसे करना, पौधे कैसे लगाना, पिट्स कैसे हम तैयारी करना, मेन्यूर कैसे तैयारी करना, और उसके कंपोस्टिंग ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना, और हम जो पार्टी मीडिया कैसे करना, जो गार्डनिंग रिलेटेड ऑल टॉपिक पे मशीन वगैरह कैसे चलाना है, डिगिंग के काम मशीन के थ्रू कैसे चलाना है, घास कटिंग के कैसे करना, ट्रिमिंग कैसे ट्रिमिंग वगैरह कैसे करना, प्रूनिंग कैसे करना, इसी प्रकार फ्लावर डेकोरेशन कैसे करना, फ्लावर बोर्ड डिस्प्ले कैसे करना, इसी प्रकार जो मोर देन 100 प्रैक्टिस है हम उनको सिखा सकते हैं। सो 3 महीने में अपने जस्ट बेसिक ट्रेनिंग हमारे डिपार्टमेंट में करेंगे, एक एक डिविजन में हम डिस्ट्रीब्यूट करें। उसके बाद 3 महीने हम क्या करना चाहते हैं, 3 महीने की इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप प्रैक्टिस के हम भेजेंगे। उसी में क्या होता है, सपोज मान लो यहाँ पर IIT है, पूसा इंस्टीट्यूट है, और MNC है, कई होटल्स है, कई रिजॉर्ट्स है, कई फार्म हाउस है, एयरपोर्ट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के CSR इंस्टीट्यूट वगैरह है, पुलिस इंस्टीट्यूट है, और कई हॉस्पिटल है। सो वहां पर हम भेजेंगे इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए 3 महीने, वो एक एक महीने एक एक कंपनी में वो वहां पर काम करें, जो कहते हैं वो काम वहां पर करेंगे, करने के बाद दूसरा कंपनी में आएंगे एक महीने, फिर तीसरा महीने दूसरा तीसरा कंपनी में आएंगे। सो मतलब एनडीएमसी में 3 महीने एक्सपोजर, फील्ड में काम करना पड़ेगा, खुद काम करें, अन्य लोग के साथ भी मिलकर काम करें, टीम बिल्ड भी करें, कलेक्टिवली काम करें, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी सीखें। सो इतना एक्सपोजर देने पे 6 महीने पे एक बंदा अनपढ़ हो या नॉन मेट्रिकुलेट हो या हायर सेकेंडरी बंदा हो, ये सारे एटलीस्ट 60-80% का जो नॉलेज गैदर कर सकता है। उसके बाद उसी बंदे के लिए नौकरी के लिए हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, कॉमन प्लेटफॉर्म, उनको रजिस्टर सब कुछ हो जाएगा, सर्टिफिकेशन भी QR कोड के साथ सब कुछ हो जाएगा। जो एम्प्लॉयमेंट अगर जो भी करना चाहते हैं ऑनलाइन में उनका अपलोड करेंगे, जो चाहिए माली चाहिए वहीं से आप ले सकते हैं। बिकॉज इसी देश में कई कॉन्ट्रैक्ट काम पे अच्छा माली नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अच्छा काम हम सोचना मुश्किल पड़ रही है, लैंडस्केपिंग काम पे, बिकॉज जो गार्डनिंग के बारे में नहीं जानता है, अगर उन लोग से अगर काम करते हैं उसकी क्वालिटी जो हम उम्मीद करें कितना अच्छा होना है उतना अच्छा रिजल्ट निकल कर नहीं आती है। अगर इसी प्रकार गार्डनिंग काम के जो ट्रेन करके अगर तैयारी करते हैं, जो उसी बंदा से अगर काम करते हैं, उसमें कास्ट भी कम हो जाता, क्वालिटी भी अच्छी तरह के लेकर आ सकता, फिर टाइम वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर सकता, ये डेवलपमेंट वर्क में। इसी प्रकार
जो कोई जो रेजिडेंट है वो माली मांग पे जा सकता है, एक माली जाकर वो काम कर सकता है उनका गार्ड हाउस में, और अदरवाइज वो खुद तीन चार घर के काम कर सकता है, एक एक घर पे 2,000-3,000 ले सकता है महीने में। सो महीने में कम से कम 15,000-20,000 तो आराम से इवन जो नॉन मेट्रिकुलेट बंदा भी कमाई कर सकते हैं, अपने परिवार के अच्छी तरह के लेके जा सकते हैं सोसाइटी में, अच्छी तरह का उनका लाइफस्टाइल बन सकता है। सो इसलिए जो हम ये प्रपोजल में देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, सो यहाँ पर इसी देश में पोटेंशियल होते हुए भी उसी सेक्टर के अभी तक हम टैप नहीं किया है। अगर हम टैप करते हैं तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ आज के प्रसंग में 50 लाख लोग के लिए एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर में है, और इसके अलावा अगर मैं 2050 के पास अगर सोचता हूँ और इसी के जो 1 करोड़ तक भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गार्डनिंग सेक्टर में है, अगर हम गार्डनिंग सेक्टर में इसी तरह का अच्छा माली हम तैयारी कर दिया तो हम अपने देश के अलावा हम अन्य जो देश के हम बेच सकते हैं क्लाइमेट चेंज के या लैंडस्केपिंग काम के लिए या गार्डनिंग काम के लिए, सो हमारा देश एक ह्यूमन रिसोर्स में अच्छा नाम भी ले सकते हैं जो स्पेशलाइज्ड इन गार्डनिंग में संभव है। इतना पोटेंशियल है हमारे देश में, लेकिन हम यूज ना कर रहे हैं उसी सेक्टर के, टैप नहीं कर रहे हैं, दैट इज द वेरी बिग यू नो हमको मन के अंदर ये हो रही है ये सेक्टर अच्छा होते भी नहीं कर पा रहे। चलिए इसके बाद इसी सेक्टर के हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, सपोज माने इसके पहले मैं ये बात आपको मैं कहना चाहूं, सो एनटीएमसी में इसी प्रकार रखने पे हमारा क्या फायदा है सोच सकते हैं। फायदा मेरा यही है अभी एनटीएमसी में माली लोग कम होते जा रहे हैं, अच्छा अच्छा कलाकार जो स्किल्ड पर्सन है रोजाना रिटायर महीने में रिटायर होते जा रहे हैं, अगर कुछ साल के बाद अगर मैं सोचते तो यहाँ पर अच्छा कलाकार माली वगैरह बिल्कुल ड्रेन हो जाए। सो अगले पीढ़ी हम तैयारी करना ना, इसलिए इसी तरह के जो लोग एंगेज करें ट्रेन अप करें उन लोगों की तैयारी करें, इन फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम में अगर सपोज गवर्नमेंट हर तरह का साथ सोचते हैं आउटसोर्सिंग सारे सर्विस करना भी, तब भी हमको इसी तरह के जो लोग मिल जाते हैं मार्केट से, एक फायदा। दूसरी है हम इसी तरह के मेरे को अगर 3,000 लोग चाहिए एनडीएमसी एरिया मेंटेनेंस के लिए गार्डनर्स है, मेरे पास अभी 1400 लोग है, सो इसी कैप को मैं कैसे मैनेज करूं, सपोज इसी तरह का लेबर इसी तरह के लोग एंगेज करें हमारे साथ भी काम करें या अपने काम भी हो जाएगा, उसके अलावा जो वो भी सीखेंगे हमारा काम भी हो जाएगा कास्ट कम पे बिना खर्चा के हो जाएगा। इसी प्रकार में इंटर्नशिप ट्रेनिंग के वहां भेजे उसी इंस्टीट्यूट का भी फायदा है, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंगेज करें या लेबर का पैसा दें या लेबर का खर्चा करें, वो भी उनका बजट भी कम हो जाएगा, कम से कम खर्चा में उनका काम निकल सकता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के। हमारा देश में कम से कम लाख इंस्टीट्यूट है देश में, 4,000 सिटी में अगर देखते हैं तो कई इंस्टीट्यूट है, एक एक इंस्टीट्यूट के स्टेट वाइज ऐसे हमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट है और इधर के एनडीएमसी है और कॉर्पोरेशन है एमसीडी है और डीडीए है सीपीडब्ल्यूडी है, इसी प्रकार चेन्नई में लेते हैं तो चेन्नई कॉर्पोरेशन है, मुंबई में लेते हैं तो मुंबई कॉर्पोरेशन है, पुणे कॉर्पोरेशन है, गुजरात में अहमदाबाद कॉर्पोरेशन में, तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन, बैंगलोर कॉर्पोरेशन, इसी तरह का जो सारे कॉर्पोरेशन के भी इसी में शामिल हम कर सकते हैं, वहां पर एक इंस्टीट्यूट बन सकता है, वहां पर माली इसी तरह का तैयारी कर सकते हैं, अपने काम भी ले सकता वो ट्रेनिंग भी दे सकता है, सो खर्चा कम हो सकता है, फिर स्किल्ड पर्सन को हम डेवलप भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा देश में कई नर्सरी है डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नर्सरी है, वहां पर हम 100-100 आदमी या 200 आदमी ऐसे जो उनका कैपेसिटी कैसे उसी प्रकार इंस्टीट्यूट रजिस्टर करवाएंगे नर्सरी मैन के यहाँ पर रजिस्टर करवाएंगे, फिर उनको लोग के तो हम आदमी भेज देंगे वहां ट्रेनअप करेंगे। इसी तरह के जो भी गार्डन सेंटर है या लैंडस्केपिंग कंपनी है या लैंडस्केपिंग डेवलपमेंट कंपनी है, वहां पर हम आदमी की भेज दें जो लेबर जो करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं ट्रेनिंग है वहां भेज दें, सो वहां पर भी सीखेंगे। सो देश में कम से कम एक एक साल में हम सोचते हैं तो कम से कम 5 लाख लोग के लिए हम तैयारी आराम से कर सकते हैं जो स्किल्ड पर्सन बन सकता है, लेकिन इसके फोकस पे अटेंशन चाहिए, फोकस में जाना चाहिए। सो इसी के लिए इसलिए तो हम चाहते हैं एक
जस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ग्रीन मैनेजमेंट और समथिंग व्हाट एवर मे बी वी कैन जस्ट नेम इट बट वी नीड वन ऑर्गेनाइज्ड अथॉरिटी सो दैट दिस सेक्टर इनफॉर्मल से फॉर्मल बन सकता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बन सकता है। सो इसी प्रकार अगर बन गया देश में, हम विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम पे, कम से कम समय पर पे हम हर लाख लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। अगर हर एक एक साल में हम 5 लाख लोग के माली के काम पे, माली की मतलब सिर्फ माली माली ही नहीं है, उसमें फ्लावर अरेंजमेंट का ट्रेनिंग, बोनसाई का ट्रेनिंग, किचन गार्डन का एरिया में ट्रेनिंग, कैसे लॉन बनना उसका ट्रेनिंग, कैसे ड्राई फ्लावर अरेंज करना उसका ट्रेनिंग, और कैसे फ्लावर बोर्ड वगैरह कई फंक्शन है, इंटरनेशनल फंक्शन है या समिट है, इसी प्रकार फंक्शन के लिए कैसे करें, या कोई कल्चरल प्रोग्राम उसके कैसे फ्लावर अरेंजमेंट करें, इसी तरह का जो फेस्टिवल है उसकी कैसे हम अरेंजमेंट करें, और टेरेस गार्डन कैसे बने। सो एरिया वाइज हम सेक्टर वाइज उसके स्पेशलाइज्ड बनाएंगे, ताकि लोग उसी सेक्टर के जो स्पेशलाइज्ड बता के नेट में आप देखेंगे तो रजिस्टर करने के बाद उसी बंदा के लिए, उसी लोग के लिए वो बुलाकर वो काम कर सके। काम करने पे अगर कमाई अच्छा करने के मौका मिल जाए तो ये सेक्टर बहुत अच्छा फ्लरिश हो जाए। कमाई इसलिए नहीं हो पा रही है, वो स्पेशलाइज्ड नहीं है, अनस्किल्ड है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो बोल भी नहीं सकता, फिर उनको इम्प्रेस भी नहीं कर सकता। तो इसके वजह से जो ऑपोजिट में जो बैठते हैं वो आ रहे हैं, इसके तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, इसके तो कुछ ये नहीं है, ये क्या करेगा, हो गया। सो इसलिए नॉलेज, इम्पार्टिंग द नॉलेज एंड स्किल इज फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा देश में एक ह्यूमन रिसोर्स सिखाना है, उसी ह्यूमन रिसोर्स सिखाने के लिए हम अच्छी तरह के इसी प्रकार सेक्टर टैप करते हैं तो बिल्कुल हमारा देश बिल्कुल एक अच्छी तरह का बहुत मजबूत देश, भारत देश बन सकता है, ये मेरा ये उम्मीद है। इसी में हम ऑलरेडी जो सिलेबस भी सब कुछ बढ़ा रखे हैं, वो सिलेबस वगैरह भी आपको प्रेजेंटेशन के रूप में मैं आपको हम भेज रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नजर में ये देखेंगे। सो उसमें क्या क्या हम कैसे मेथोडोलॉजी क्या है, कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्या कोर्स है, क्या कैसे रजिस्ट्रेशन करें, एंट्री वगैरह कैसे है, फिर उसके बाद ये कितना महीने के ड्यूरेशन क्या है, उसके बाद क्या प्लेटफॉर्म है, कैसे सर्टिफिकेट देंगे, इसी प्रकार सारे चीज हमें उसी में प्रेजेंटेशन में दे रखे हैं। उसके अलावा हमारा नोट भी हम प्रपोजल दे रहे हैं आपके साथ हम भेज रहे हैं। सो मेरा बात यहाँ बात करने के इसलिए है, कुछ चीज है नोट में देखने पे समझ में विजुअलाइज नहीं कर पाए हैं, इसी प्रपोजल से आने वाला समय पर उसी देश में क्या प्रोग्रेस क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं आपके सामने मेरे बात इसी प्रकार रखना चाहता हूँ, विजुअलाइज में कर रहा हूँ, ये डेफिनेटली मैं कर रहा हूँ, इसी फील्ड का इतना स्कोप है, इतना स्कोप है, इतना लोग की एम्प्लॉयमेंट है इसी देश में, कृपया इसी टॉपिक में अच्छी तरह के डील करें, कंसिडर करें, ये मेरा निवेदन है सिर्फ इसी देश के लिए। इसी देश के लिए मैं क्या रिटर्न कर सकते हैं, इसी सोसाइटी के लिए क्या हम रिटर्न कर सकते हैं, यही है मेरा सोच है। इसी देश का हम कैसे मजबूत बने, इसी देश के लोग कैसे इकोनॉमिकली एंड सोशली वेल स्ट्रेंथ कैसे हो सकता है, मैं इसी भावना में मैं इसी के लिए मैं ये प्रोजेक्ट मैं तैयारी किया है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इनोवेटिव अप्रोच, इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है एंड वेरी क्रिएटिविटी कॉन्सेप्ट है। सो आप देखे हुए हैं, सो इसलिए आपके सामने में ये सबमिट कर रहे हैं। सो कृपया आप इसी के अच्छी तरह का कंसिडर करें, ये सिर्फ एंड सिर्फ ये देश के भविष्य के एक अच्छा एक रास्ता बन सकता है। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद, थैंक यू।